बीकानेर में भी हादसा हुआ है। लोड करंसर में NH-62 और मूल ट्रस्ट के पास रात 2 बजे दो ट्रकों की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसके बाद दोनों ट्रकों में भीषण आग लग गई। लेकिन गनीमत रही कि आग लगने से कोई जनहानि नहीं हुई है और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन इस हादसे के कारण हाईवे पर करीब 1 घंटे तक जाम लगा रहा और सूचना के बाद दूर करंसन पुलिस मौके पर पहुंची और जाम खुलवाया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहां पर रात 2 बजे के करीब दो ट्रकों में भिड़ंत के बाद आग लग गई। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी राम प्रताप जुड़ गए। राम प्रताप, वजह क्या बताई जा रही है, क्या स्पीड इसकी वजह है, कितना नुकसान इन ट्रकों में, क्या कुछ लोड था? दोनों ट्रकों में तेज गति की वजह से आमने सामने भिड़ंत हुई है। एक ट्रक खाली था, एक ट्रक है सड़क निर्माण कार्य की रोड़ी भरी हुई थी जी, और ट्रकों की भिड़ंत होती दोनों में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं की मदद से पानी के टैंकर से आग पर काबू पाया, जिसमें दो लोग घायल हुए हैं। एक 38 निवासी नारायण राम है, दूसरा नौका के अलाय निवासी सुरजाराम है, जिनको प्राथमिक उपचार के बाद बीकानेर रेफर कर दिया गया है। वो मामूली दुर्घटना हुए हैं, कोई विशेष गंभीर है नहीं जी। तो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी जुगपाल सिंह ने भी मौका मुआयना किया है। पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद 1 घंटे बाद जाम खुला है जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राम प्रताप तमाम जानकारी के लिए।